नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज दरभंगा शहर के जो प्रमुख तालाब है हराही तालाब, वहाँ से विशेष कवरेज आपको दिखा रहे हैं। हराही पोखर की बात करें तो यहाँ पर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी हर साल हो जाता है, खासकर लोग यहाँ गंदगी फेंकते भी हैं। इस वर्ष आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग साफ सफाई कर रहे हैं, युवाओं की श्रद्धा आप देख सकते हैं। युवाओं को हमने देखा कि वहाँ पर गाय के गोबर से खासकर चारों तरफ वो सजा रहे थे। साथ में युवाओं को मैंने ये भी देखा कि वहाँ पर जितने भी गंदगी थे उस तालाब में यहाँ पर आकर उस तालाब गंदगी को साफ कर रहे थे। साथ ही पूरे खासकर सीढ़ियों को यहाँ पर नए रंग दिया गया है, नया पेंट दिया गया है, बैलून का जो है वो सजावट किया गया है, खासकर झालर लगाया गया है। तो ये प्रमुख जो तालाब है खासकर दरभंगा शहर की, दरभंगा स्टेशन के सामने में उस तालाब का आप दृश्य देख सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर युवाओं ने सजा दिया है। लग नहीं रहा है कि वही हराही तालाब है जहाँ पर बैठ कर लोग दिन में भी शौच करते हैं, वहाँ पर खुले में शौच करते हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पर शौच करने वाले लोग कैसे हो सकते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं हो सकता है, क्या वो कहाँ से आते हैं। इसके ऊपर नगर निगम को जरूर सोचना चाहिए था, क्या ऐसी कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है जो लोग यहाँ पर दिन में बैठकर शौचालय करते रहते हैं और बगल से लोग यहाँ पर गुजरती रहती हैं, महिलाएं हों या फिर स्कूली बच्चे हों, यहाँ पर गुजरते रहते हैं। खैर, आज तो छठ पूजा है, छठ पूजा में आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चों को देखिए किस तरह से यहाँ पर सजावट कर रहे हैं, बैलून से इस तालाब को सजाया गया है। और खासकर सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि एक जो मतलब जगह पर खासकर बांस और बल्ला लगाकर घेर दिया गया है, जिससे कि छठ व्रती जो है उससे आगे ना जाए, क्योंकि उससे आगे काफी गहराई है, इसके कारण यहां पर बांस बल्ला लगा दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि यहां पर एनडीआरएफ की जो टीम है वो देखा गया है, खासकर दो बोट यहाँ पर दिया गया है और मोटर बोट यहाँ पर तालाब में रखा गया है। उसके बाद एनडीआरएफ की जो टीम है, लगभग 6 से 7 जवान दिख रहे थे जो यहाँ पर तैनात हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस तालाब को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इस तालाब को आज सजा दिया गया है रंग बिरंगे यहाँ पर कलर से। आप देख सकते हैं युवाओं का जोश और युवाओं का श्रद्धा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो खासकर बिहार के दरभंगा जिला के दरभंगा शहर के हराही तालाब से यहाँ रहे हैं। विशेष कवरेज आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर युवाओं ने इस घाट को, छठ घाट को सजा दिया है। आज लग रहा है कि कोई बहुत ही मतलब सुंदर, जो ये सौंदर्यीकरण जिसे तालाब को कहा गया है, जो सरकार के द्वारा होता है, लेकिन इस तालाब में अगर इसी तरह से कर दिया जाए और यहाँ पर मोटर बोट की व्यवस्था की जाए और सैलानी भी यहाँ पर आए, नेपाल से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, तो इस जगह का विकास भी होगा अच्छे तरीके से और कुछ कमाई जो है इस बोट के जरिए सरकार को भी जा सकता है, ये बड़ी सुविधा हो सकती है। देख सकते हैं यहाँ पर लोग लकड़ी का जो पट्टा है वो लगा रहे हैं, खड़ा होने के लिए जगह नहीं रहता है, बहुत बड़ी खबर। लगभग यहाँ पर बताया गया है कि 10 से 20 हजार लोग इस तालाब में आते हैं और दर्शन और पूजा करते हैं। विशेष कवरेज देखिएगा, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। यही वो दृश्य है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि लोग यहाँ पर कैसे देख सकते हैं, युवाओं को देखिए कैसे इस घाट को सजा रहे हैं।